collection of simple huts. On the banks of the Sabarmati River, visited frequently by world leaders, this is the Sabarmati Ashram in Gujarat. A physical embodiment of M.K. Gandhi's ideals. It was set up in 1917, meant as a school for satyagrahis. Mahatma Gandhi lived here with his wife Kasturba for around a decade. जब साउथ अफ्रीका गए एक साल के लिए गए हुए गांधी जी 31 साल वहां रहे और वापस जब लौटे 1915 में उनकी एज थी 46 और तब उन्होंने आजादी की जंग की शुरुआत की। यहाँ टेंट में रहे सब लोग, गांधी जी बिहार में थे मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह में, वापस लौटने तक ये घर बन गया था। तो गांधी जी ने कहा ये महल है, गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, हम ऐसे घर में रहने का हक नहीं है। वो हमेशा बाहर सोते थे। गांधी जी ऑल्सो डेली क्लीन द टॉयलेट ऑल्सो एवरी डे वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ के कटाई करना, टॉयलेट सफाई करना, सुबह 3:30 बजे उनके वॉक पे जाते थे। The other notable inhabitants of the ashram were Vinoba Bhave, Madeline Slade, also known as Meera, and Maganlal Gandhi. And here are the ashram rules that everyone had to follow. Let's look at some of them. Truth, non-violence, chastity, control of the palate, non-stealing, non-possession of poverty, swadeshi, fearlessness, removal of untouchability, vanashrama dharma, tolerance, physical labor. It was from the Sabarmati Ashram that Gandhi launched his iconic salt march in 1930. Sadly, he never returned. कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज के बिना मैं इस आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। तो हमारे देश की आजादी की प्रतिज्ञा लेके गांधी जी यहाँ से निकले थे और 1930 के बाद कभी नहीं आए यहाँ। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा नागपुर के पास, वो जमुना लाल बजाज जी का वो लैंड है, वहाँ उन्होंने लास्ट आश्रम बनाया जिसका नाम है सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, 33 से 42 तक वहाँ रहे। बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए उनका जाना हुआ दिल्ली मुंबई वगैरह, और अंत समय में बिरला हाउस वो जगह जहाँ उन्हें गोली लगी, राजघाट गांधी जी की समाधि है।